So hello everyone, this is Vivek Kumar Gupta and this is Nupur Kumari. Actually we are a journalism student of CH University Bhopal. आज हमारे साथ जो है हम जिनका इंटरव्यू लेने वाले हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, सब उनके बारे में जाते हैं. पंकज अडवाणी सर, ही इज 24 टाइम इंटरनेशनल चैंपियनशिप विनर, 11 टाइम नेशनल चैंपियनशिप विनर. तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं. तो सबसे पहले हेलो सर. तो सर हमारा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली हम लोग आम जिंदगी में क्रिकेट देखते हैं, वॉलीबॉल देखते हैं, ये ऐसे गेम है जो हमें आम फील्ड में देखने को मिल जाती है, और बिलियर्ड्स एंड स्नूकर ऐसे गेम है जो हमें जनरली देखने को नहीं मिलते. तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में किसने बिलियर्ड्स एंड स्नूकर को इंट्रोड्यूस किया था? अभी तो आपने देखने का भी मौका मिला ना. अभी हम लोग यहाँ पे आए सेज यूनिवर्सिटी में, इतने सारे देश के टॉप खिलाड़ी आ चुके हैं यहाँ पे. तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस गेम को अलग अलग जगह पे प्रमोट किया जा रहा है. जो मैंने शुरुआत किया था वो 10 साल की उम्र में किया था मैंने. जो मेरे बड़े भाई थे वो पहले खेलते थे और मैं उनको फॉलो करता था बैंगलोर में. एक्चुअली हम लोग, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगा मेरे बारे में कि मैं, हम लोग क्वेत में थे पहले, मिडल ईस्ट में, और वॉर की वजह से जहाँ पे सदाम हुसैन जी ने इराक के थ्रू क्वेत को इन्वेट किया था, तो उसकी वजह से हम लोग को इंडिया शिफ्ट करना पड़ा और हम लोगों ने बैंगलोर एज अ प्लेस चूज़ किया था सेटल डाउन होने के लिए. बट बैंगलोर में जब मेरे बड़े भाई श्री इस गेम को खेलते तो मैं रोज़ उनको उनके पीछे जाता था. अच्छा. और मैं बहुत ही छोटा था, आपसे भी छोटा हाइट में, और सिर्फ देखता रहता था कि ये गेम कैसे खेली जाती है. अलग ही गेम है क्योंकि बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल सब आउटडोर स्पोर्ट्स खेलता था स्कूल डेज में, जैसे नॉर्मली जो बच्चे खेलते हैं. पर ये जो गेम बहुत अलग ही था मेरे लिए. और जब इस गेम को मैंने शुरू किया था, जो पहला शॉट मारा टेबल के ऊपर, दो हफ्ते के बाद मैं देख रहा था कि ये, चलो ऐसा रूल है, ऐसा स्टांस टेक्निक सब, ऐसा आपका ब्रिज ऐसा होता है जो भी है, और जो फर्स्ट शॉट मारा बॉल अंदर गई. तो वैसे ही मेरे जो जर्नी है वो इस गेम में शुरू हुआ था. मीन्स हम कह सकते हैं कि आपके बड़े भाई ने इस गेम को आपके लिए इंट्रोड्यूस किया था आपके लाइफ में. बिल्कुल बिल्कुल. तो सर आपके लिए, जैसे आपने कहा कि आपके बड़े भाई आपके लिए बहुत बड़े रोल मॉडल थे, तो सर आप उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि आप उनसे कैसे प्रेरित हुए या फिर आपने उनसे क्या क्या सीखा इस बिलियन स्नूकर के बारे में? क्योंकि मेरे बड़े भाई एक्चुअली 7.5 ईयर्स ओल्डर देन मी. तो और मेरे जो फादर है वो गुजर गए थे बहुत अर्ली एज में. आई वॉज जस्ट 6 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम. तो ही वॉज लाइक अ फादर फिगर टू मी, जो मेरे बड़े भाई थे श्री. और जब उन्होंने मुझे इस गेम को, मतलब वो इंट्रोड्यूस किया था, तो मैं उनके साथ रोज़ जाता था स्नूकर क्लब में और हम लोग साथ में खेले थे. इनफैक्ट हमारा जो फर्स्ट टूर्नामेंट था, एक हैंडीकैप टूर्नामेंट था जहाँ पे अगर आप थोड़े से कम हो स्किल में, आपका स्किल लेवल कम है, तो बेटर प्लेयर के साथ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलता है. तो वो हैंडीकैप टूर्नामेंट में हम दोनों फाइनल्स पहुँचे. जैसे कि आज अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, ध्रुव सितवाला के साथ फाइनल पहुंचा, तो हम बहुत क्लोज है. जैसे वैसे ही मेरे भाई, बड़े भाई के साथ मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट